आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन है संचार के साधनों का विकास कैसे हुआ, है ना, फिर बातचीत कैसे करना स्टार्ट किया। ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट में देखिए, आपको कुछ यहाँ पे हैंड्स कुछ गेस्चर लिए हुए दिख रहे हैं। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे साइन लैंग्वेज दिख रहा है। एंड डू यू थिंक इट इज़ बेनिफिशियल टू हैव दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन मीडिया, तो क्या आपको लगता है इस तरह के कम्युनिकेशन हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है? तो यस, इट इज़ बेनिफिशियल, है ना, ये काम में आती है बहुत लोगों की। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे आगे बढ़ा? अर्ली ह्यूमन फर्स्ट बिगेन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू साइंस एंड हैंड गेस्चर, तो जो शुरुआत में जो व्यक्ति थे, इंसान थे, आदि मानव, तो उन्होंने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से बातें करना, कि वो कोई साइंस या फिर किसी गेस्चर यानी जो हैंड के द्वारा किसी तरह से मुद्रा बना के बताते थे। लेटर दे बिगेन टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे लिव्ड लाइक केव्स, तो जब फिर उसके बाद उन्होंने पिक्चर्स बनाना शुरू किया जो कि गुफाओं की दीवारों पे बनाते थे वो। सून ह्यूमन लर्न टू स्पीक, उसके बाद मानव ने बातें करना स्टार्ट कर दिया। लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, तो इससे क्या हुआ कि भाषाओं का विकास हुआ। द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द रिटन स्पीच, उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आया तो वो था कि रिटन स्पीच यानी जो मतलब बोलचाल में, तो पर वो लिख के भी एक दूसरे को बताने लगे अपनी भावनाएं, है ना। यहाँ पे फैक्ट जोन में हम देखेंगे, इन एंशंट इजिप्ट अ सिस्टम ऑफ राइटिंग यूजिंग सिंबल्स एंड पिक्चर्स, क्या होता था प्राचीन इजिप्ट में यूज होता था कि एक सिंबल्स और पिक्चर्स को यूज करके वो राइटिंग में बताते थे, तो इसको हायरोग्लिफिक्स कहा जाता था, है ना, एंड हायरोग्लिफिक्स इस तरह की भाषा थी इनकी लिखने की। ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू राइट अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स अगो, तो मनुष्य ने लिखना 5000 वर्ष पहले स्टार्ट किया। एंड स्टार्टेड टू पुट डाउन देयर आइडियाज एंड थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स दैट स्टूड फॉर द साउंड्स एंड वर्ड्स, तो उन्होंने लिखने के साथ जो स्टार्ट किया आइडियाज़, अपने विचार बताना, अपने जो भी है उपाय बताना, तो सिंबल्स और कुछ वर्ड, साउंड्स ऑफ वर्ड्स। सून लेटर्स इवॉल्व फ्रॉम दिस पिक्टोरियल सिंबल, फिर इनसे कुछ लेटर्स बने जैसे अ आ इस तरह के। दिस इज़ हाउ द अल्फ़ाबेट कैम इन टू बीइंग, तो इससे क्या होता है वर्णमाला अल्फ़ाबेट बनी। ह्यूमन स्टार्टेड राइटिंग ऑन क्ले टेबलेट्स, तो मिट्टी के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। स्किन ऑफ एनिमल्स, तो जानवरों की स्किन पे, पत्तियों पे। सून दे मूव्ड ऑन टू पाइप्रस सीड, उसके बाद एक तरह का पेड़ होता है, पाइप्रस का पेड़ होता है, तो उसकी छाल से पतले पतले करके उसके ऊपर लिखना कि पाम लीव्स, पाम के पेड़ के पत्तों पे, और पेपर, फिर पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। दे यूज शार्प टूल्स मेड फ्रॉम बाम्बू और वुड एंड बर्ड फेदर एज पेन, तो पेन के लिए वो लोग क्या करते थे, कुछ भी नुकीला कुछ भी उपयोग करते थे, जैसे कोई बैम्बू हो जिसकी नोक हो, या फिर किसी बर्ड का फेदर, उसको पेन्स की तरह वो यूज़ करते थे। टिल 1443 पीपल रॉट यूजिंग देयर हैंड्स, तो वह हाथों से ही लिखते थे तब तक, 1443 तक। दे आल्सो कॉपीड बुक्स बाय हैंड, तो वो बुक्स को अपने हैंड से ही कॉपी करते थे, मतलब लिखी तो होता था सब कुछ। हाउएवर इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। एंड इट वाज आल्सो वेरी कॉस्टली टू प्रोड्यूस दिस बुक्स, तो इस तरह का जो बुक्स को बनाना भी बहुत ही कॉस्टली यानी महंगा होता था। इन 1443 द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय जोहनस गटनबर्ग, तो जोहनस गटनबर्ग ने 1443 में एक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। विथ दिस इन्वेंशन द प्रिंटिंग ऑफ बुक वाज इनिशिएटेड, तो इससे अच्छे से प्रिंटिंग होने लगी। दिस इनेबल्ड द प्रोडक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ बुक, और इससे एक ही तरह की कई सारी बुक्स प्रोड्यूस हो सकती थी।
इसके बाद हम देखते हैं इकोजोन। मिलियंस ऑफ ट्रीज आर कट टू प्रोड्यूस पेपर ऑन विच द बुक्स आर प्रिंटेड, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। तो क्या होता है, कई सारे पेड़ काटे जाते हैं जो पेपर बनते हैं, वो जो है पेड़ों से ही हमें मिलते हैं, तो पेपर्स को बनाने के लिए कई सारे पेड़ काटा जाता है। तो अच्छा है कि जितने काटे जाएं उससे ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, हमारे 253 पेज है ये हमारा, एट अ लेसर कॉस्ट। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई उससे मतलब जो पैसे भी कम लगने लगे। टुडे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूवड ट्रेमेंडसली विथ बिलियंस ऑफ बुक्स बीइंग प्रिंटेड एवरी ईयर। तो अब जो है प्रिंटिंग जो है बहुत ही अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है, उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बुक्स प्रिंट हो जाती है। दिस हैज़ मेड बुक्स न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड मच मोर अफोर्डेबल। एंड तो उससे क्या होता है, इससे जो है बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर हमें मिलते हैं, मैगजीन, ये सब हमको अफोर्डेबल ज़्यादा हो जाते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या है, कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। तो दो तरह में उसको बांटा गया है अगर कम्युनिकेशन को बांटे तो। यहाँ पहले हम देख लेते फाइंड आउट में, हाउ डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्ट एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट आपको मालूम है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पहुँचाए जाते हैं तो उनको कैसे वो काम करते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंड सिग्नल टू हेल्प मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन अभी आप आगे पढ़ोगे क्या होता है। तो मैस कम्युनिकेशन में ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मदद करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इफेक्टली सपोर्ट ऑन ए ग्लोबल बेसिस ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग फ्रॉम द इंटरनेट टीवी प्रोग्राम। तो हमें इंटरनेट टीवी प्रोग्राम्स वगैरह इन सब में ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमको मदद करते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी, तो अब यहाँ पे हमने दो भागों में देख लिया, मालूम है हमको पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मैस कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में देखो नॉर्मली टेक्स प्लेस बिटवीन टू पीपल, तो ये दो लोगों के बीच ही होता है या फिर थोड़े बहुत लोगों के बीच, द रिसीवर एंड द सेंडर, एक जो उसको ले रहा है बातचीत कर रहा है, दूसरा जो उसको सुन रहा है, लेटर होता है या फिर टेलीग्राफ होता है, मतलब एक ने पहुँचाया दूसरे ने उसको पढ़ा, ठीक है, फिर दूसरे तक वो पहुंचा। टेलीग्राफ, टेलीफोन, फैक्स एंड ईमेल आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। ये पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हो गए, जैसे हमने किसी को फ़ोन किया, ठीक है, इस तरह से। मैस कम्युनिकेशन में क्या होता है, टेक्स प्लेस व्हेन समथिंग इज कम्युनिकेटेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब कोई भी बात है जो कई सारे लोगों को एक साथ बताई जाती है, दिस इज़ डन थ्रू न्यूज़पेपर। जैसे कि न्यूज़पेपर, उसमें जो भी न्यूज़ है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, मैगजीन से, रेडियो पर जो न्यूज़ आती है, टेलीविज़न पे, इंटरनेट के द्वारा, सिनेमा एंड एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों के लिए होते हैं। अर्लियर कम्युनिकेशन वाज कैरिड आउट थ्रू लेटर्स एंड मैसेजेस। तो पहले क्या होता था कि कम्युनिकेशन लेटर्स एंड मैसेज के द्वारा ही होता था ज़्यादातर। दिस हाउएवर टुक ए लॉन्ग टाइम टू बी डिलीवर्ड एंड वे आर ऑफन लॉस्ट ऑन द वे। तो कई पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, फिर कभी कभी तो रास्ते में ही गुम हो जाता थे लेटर्स वगैरह। नाउ विद द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, अब जब ये संचार के साधनों को जैसे जैसे विकास हो रहा है, तो डेज आर लॉन्ग गोन, तब वो लंबे समय वाली बातें तो चली गई हैं। लेट अस टेक ए लुक एट सम ऑफ द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट टूडे। अब जो है लोग किस तरह से बातचीत करते हैं, कैसे एक दूसरे से संपर्क करते हैं, ये हम कुछ यहाँ पे तरीके देखेंगे। पर्सनल कम्युनिकेशन के देखते हैं सबसे पहले, द पोस्टल सिस्टम हेल्प्स टू डिलीवर लेटर। पोस्टल सिस्टम क्या होता है, हमको मदद करता है कि वह हमें लेटर पहुँचाए, कोई पार्सल पहुँचाए, एरोग्राम्स एंड पोस्ट कार्ड्स। तो वाइल लेटर्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी डिलीवर, टेलीग्राम्स वर यूज टू सेंड अर्जेंट मैसेजेस। जब लेटर्स क्या थे उनको टाइम लगता था, फिर टेलीग्राम पहुँचाने लगे जो कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाते थे। टेलीग्राम्स आर सेंड थ्रू मोर्स कोड विद द हेल्प ऑफ ए टेलीग्राफ। तो ये जैसा होता था बिना तार का, तार जिसको बोलते हैं, तो यह टेलीग्राफ मशीन के द्वारा जिसको कि इन्वेंट किया था सैमुअल मोर्स ने,
से पहुंचाया जाता था द टेलीफोन। उसके बाद टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्रहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्रहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। अगर आपको इनका जैसे नाम याद रखना है कि भाई टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो जैसे टेलीफोन का बेल बजता है ना, तो वैसे आप उसको याद रख सकते हो कि उनके नाम में भी बेल है ना, अलेक्जेंडर ग्रहम बेल इन 1876 एंड इट्स इन्वेंशन रेवोल्यूशनाइज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। उससे क्या होता है कि इससे बहुत ही कम्युनिकेशन का जो है एक क्रांति से आ गई, बहुत ही काम का ये साबित हुआ टेलीफोन का आविष्कार। इट इज़ यूज्ड बाय फार द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे हम सबसे ज़्यादा तेज गति से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। नाउडेज वायरलेस मोबाइल आर सेलुलर फोन्स आर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस। अब हमारे वायरलेस मोबाइल से, सेलुलर मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू सेंड मैसेजेस एंड स्पीक टू पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इससे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बातचीत कर सकते हैं बिना कुछ भी देर लगाए। फैक्स मशीन में है, फैक्स मशीन इज यूज टू सेंड एन एक्सैक्ट कॉपी ऑफ प्रिंटेड और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट टू अनदर प्लेस थ्रू टेलीफोन लाइन्स। तो फैक्स मशीन में मतलब सेम जो हमने लिखा है या फिर जो भी प्रिंट है उसका सेम डॉक्यूमेंट दूसरी जगह पहुँच जाता है टेलीफोन लाइन्स के द्वारा। इंटरनेट है, द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। इंटरनेट के द्वारा सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, ईजी हो गया है। द इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज़ वेरी पॉपुलर। तो ईमेल बहुत ही पॉपुलर है। लेटर्स एंड मैसेजेस आर सेंट इंस्टेंट। तो ईमेल से लेटर्स मैसेज तुरंत पहुँच जाते हैं। मैस कम्युनिकेशन में आपको जैसे बताया था ज़्यादा लोगों तक मैस कम्युनिकेशन जाता है। वी रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन और जनरल टू गेन नॉलेज अबाउट द डिफरेंट इवेंट्स अकरिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो जानने के लिए कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर न्यूज़पेपर और मैगजीन जो हैं पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस टू मेक दैम एक्सेसिबल टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो यह अलग अलग भाषाओं में प्रिंट होते हैं तो जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। द रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी इन 1886। तो मार्कोनी के द्वारा रेडियो का इन्वेंशन हुआ था 1886 में। इट प्रोवाइड्स न्यूज रिलेज इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेन्स पीपल। इट इज़ एन ऑडिटोरी मीडियम। तो इसमें क्या होता है 1886 में उन्होंने इन्वेंशन किया और इससे हमें क्या क्या मिलता है, न्यूज़ हमें मिलती है, रिलेक्स इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, इंटरटेनमेंट होता है एंड ऑडिटरी यानी इसको हम सिर्फ देख सकते हैं। जॉन लॉजी बेयर्ड इन्वेंटेड द टेलीविज़न। तो जॉन बेयर्ड ने इनका इन्वेंशन किया टेलीविज़न का 1926 में। टुडे टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। तो आज हम जानते हैं कि जो टेलीविज़न है मैस कम्युनिकेशन का बहुत ही पॉपुलर मीन्स है। इट इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम। तो इसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, थ्रू विच न्यूज़ स्पोर्ट इंटरटेनमेंट वैरायटी ऑफ रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स कैन बी व्यूड। तो इससे हमें न्यूज़ मिलता है, स्पोर्ट्स हम देखते हैं, इसमें इंटरटेनमेंट होता है, कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं। फिल्म और सिनेमा इज़ अनदर ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। तो फिल्म एंड सिनेमा भी एक तरह का एक मैस कम्युनिकेशन का ऑडियो विजुअल प्रकार है। इट इज़ पॉसिबल टू एजुकेट एंड एंटरटेन पीपल थ्रू सिनेमा। तो बहुत ही इससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को मतलब एंटरटेनमेंट मिलता है, शिक्षा भी मिलती है, एजुकेट भी होते हैं, है ना। शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव। तो छोटी छोटी जो शॉर्ट फिल्म बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट्रीज जो बनाई जाती है किसी विषय के ऊपर, तो इससे बहुत ही शिक्षाप्रद होते हैं वो, एजुकेशन मिलती है उससे, कोई भी शिक्षा मिलती है, इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती है। वाइल फीचर्स फिल्म्स आर एंटरटेनमेंट। तो जो फिल्म्स होती हैं जो 3-4 घंटे की फिल्में होती हैं वो सब एंटरटेनमेंट के लिए होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। द इंटरनेट इज़ अ वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अभी हम देखें तो इंटरनेट सबसे ज़्यादा
सोर्स है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन मिलती है हमको। देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट दैट सप्लाई ए वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें कई सारी जानकारियाँ देती है। नाउडेज पीपल डोंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेज फॉर शॉपिंग और बैंकिंग। यहाँ तक कि अभी लोगों को बाहर, घर के बाहर जाने की भी नहीं ज़रूरत है, वो उनका शॉपिंग हो जाता है, बैंकिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ इंटरनेट पे मोबाइल द्वारा। दे कैन डू ऑल दिस टास्क थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा वो सारे काम कर सकते हैं। डू इट योरसेल्फ में आप देखिए, टेक ए लुक एट द पिक्चर्स प्रोवाइडेड बिलो स्टेट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दे मे बी कैटेगराइज्ड। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, इनको देखना है हमें और बताना है कि ये क्या है, कैसी, तो ये कैसी कैटेगरी में आती है, पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर मैस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फिक्स टेलीफोन दिख रहे हैं, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन, ये भी पर्सनल, एसटीडी बूथ, ये भी लेटर भी पर्सनल होता है, मोबाइल भी पर्सनल है, एंड टेलीविजन एंड रेडियो मैस कम्युनिकेशन में आएंगे। तो रिमेंबर में हमें क्या क्या याद रखने लायक है, ह्यूमंस फर्स्ट बिगेन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू साइंस एंड हैंड गेस्चर। मतलब मालूम है हमको कि किसी भी साइन और हैंड गेस्चर के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करना उन्होंने शुरू किया। ह्यूमन स्टार्टेड राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल साइन एंड सिम्बॉल विच लेटर इन्वॉल्व इन टू द अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले उन्होंने कोई साइन बनाए, सिम्बॉल बनाए, कुछ चित्र बनाए, पिक्चर्स बनाए, उसके बाद उन्होंने अल्फ़ाबेट का आविष्कार किया है। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मेड बुक्स ईजीली एक्सेसिबल। तो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा बुक्स हर किसी को मतलब सुलभ हो गए, एक्सेसिबल यानी हर किसी को प्राप्त होने लगी। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो तरह के फॉर्म है कम्युनिकेशन के, पर्सनल एंड मैस कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके देन, थैंक यू।